अरे फिर मोदी जी क्या मोदी जी ने किया हैं, वो विवादों में गिर जाते तो हैं। विवादों में कौन सा काम मोदी जी ने अच्छा किया आपको बहुत बढ़िया लगा? दूरबीन लगा के चश्मा दिखाई देता आपको मोदी जी ने? देखिए अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में जाके दूरबीन लगाया था, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये मोदी जी अपना राजमहल बनवा रहे हैं भाई। देश के हाथ में कटोरा थमा दिया है। आप कटोरा लेके आप जाइए मंदिर, जाइए कांवड़ में, जाइए कांवड़ में आपने देखा नहीं लग गया है? बेरोजगार बच्चे सब कांवड़ लेके चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो अंधभक्त है वो चाह रहे हैं कि आप कांवड़ लेके जाइए, भगवा चोला पहनिए, आप शिक्षा और रोजगार मत मांगिए। सरकार तानाशाही के रवैये पे है। इस तानाशाह का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, जो अंधभक्त कर रहे हैं, मैं कहता हूं शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। भारत शांति का प्रतीक दिखता था, सामाजिक सौहार्द की प्रतीक दिखता था, भारत सभी का धर्मों का सम्मान दिखता था, लेकिन इस शेर में आपने देखा है आदमखोर, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं आदमखोर है। आदमखोर जैसे प्रवृत्ति के लोग अगर सत्ता में बैठेंगे तो शेर का स्वरूप भी बदल देंगे। वही कहावत नहीं कही गई है कि शेर तोता चना बागे झना? तो ये कहीं ना कहीं एक शेर के जरिए इस देश के एक समुदाय को डराना चाहती है, लेकिन डराने से समुदाय डरने वाला नहीं है। आपने जिस तरह से आप जाके देखिए, चाहे दिल्ली पुलिस के उसमें देखिए, आप तीन चक्र होते हैं अशोक स्तंभ का, जिस तरह से इन्होंने स्पूत का कहीं ना कहीं इन्होंने वो किया है, इसका अवमानीय किया है, ये कहीं ना कहीं विभाजन का एक प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी इस स्तंभ के जरिए से इस देश की जनता को विभाजित करना चाहती है, कार्यपालिका न्यायपालिका को विभाजित करना चाहती है, लेकिन हम मैं कह देना चाहते हैं, वो देखिएगा स्तंभ पे जो आवाज उठी है, ये सरकार गूंगी बहरी तानाशाही सरकार को, उस स्तंभ को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज देश की जनता के साथ इन्होंने गद्दारी की है और ये हमेशा माफी जीवी लोग हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कहेंगे और जो शेर है उसका मुंह ज्यादा खुल गया है, क्योंकि जो लोग उसको बनाने वाले थे, जो कारीगर थे, वो समझ नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जुमले जीवी की सरकार है, ये हमेशा जब जब कोई ऐसा कार्य करती है तो माफी मांगने का काम करती है ऐसे माफी जीवियों को, लेकिन देश की जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ करना तो गैर कानूनी है। बिल्कुल मैं कहता हूँ, लेकिन जब आप अपने हाथ में सत्ता, अपने सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को आपने अपने हाथ में कर लिया, अपने बस में कर लिया है, आपने देखा होगा जिस तरह से अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही के रवैये पे है। इस तानाशाह का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, जो अंधभक्त कर रहे हैं, मैं कहता हूं शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। कुछ लोग गलतफहमी पाले हुए हैं, उन सबको भी श्रीलंका जैसे याद आ जाएगा। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर सरकार है, बीजेपी जैसी कोई सरकार नहीं है, तो उन लोगों को बसाने वाले समय में देखिए, अभी 100 रुपए डॉलर पहुंचेगा डीजल पेट्रोल के जैसा, वो भी शतक मारेगा। भारतीय जनता पार्टी गैस सिलेंडर 1000 गैस पार ही हो गया है। अनुपम खेर कह रहे हैं या स्वतंत्र देश में स्वतंत्र शेर है ये? अच्छा, स्वतंत्र देश में हरी अनुपम खेर। अनुपम खेर को बॉलीवुड की मूवी बनानी चाहिए, लेकिन अनुपम खेर तो इस पे अशोक स्तंभ पे बात कर रहे हैं। आखिर क्या इस देश को ये राजनेता और नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के कैसी तरह बनाना चाहते हैं? भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, कहीं ना कहीं इन्होंने उस भारत को एक ऐसे पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग हीन भावना को देखते हैं कि भारत में एक समुदाय को प्रताड़ित किया जाता है, भारत में शिक्षा के मुद्दे को नहीं बात की जाती है। ये कहीं ना कहीं इस देश में एक ऐसे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लाती है कि देश की जनता को गुमराह किया जाए। लेकिन संसद भवन तो पूरे देश का है, हर समुदाय का, सबका है। यहाँ तो मोदी जी और दो चार पुजारियों को लेकर उन्होंने, श्रीलंका में भी श्रीलंका में दो स्विमिंग पूल बना था, यहाँ के सेंट्रल विस्टा देखे नहीं प्रोजेक्ट, यहाँ भी स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल तो वो जनता के लिए बन रहा है, जनता बजाने वाली है, जैसे आप उद्घाटन करेंगे देश की जनता सड़कों पे उतरेगी और सीधे स्विमिंग पूल में नहाएगी, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये मोदी जी अपना राजमहल बनवा रहे हैं भाई। अगर देश की जनता को क्या कहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन मोदी जी को देखिए, आप उद्घाटन किए, अनावरण किए, लेकिन आपने फोटो अशोक चक्र जो खपा हुआ फोटो, आप खड़े होके ऐसे आए, फोटो जी भी नहीं कहेंगे,
कैमरा करिए, हमेशा कहीं भी जाएंगे आप कैमरा पहले साथ में लेके जाएंगे। तो ये कैमरा जीवी लोग हैं, केवल दिखावे के लोग हैं, ये देश की जनता के साथ नहीं खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और हम वही कह देते हैं, जो राम नाम की लूटा है जिन्होंने, इन्होंने संसद भवन के नाम पर भी बहुत घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद करके इस देश को, इस राष्ट्र को गुलामी की तरफ ले जाने का काम किया है। अगर ये गुलामी की तरफ ले जाएंगे तो हम आजाद भगत सिंह बनेंगे और इनको झुकाने का काम करेंगे। मोदी जी ने अशोक स्तंभ का हिंदू रीति रिवाज से पूजा कर दी उन्होंने। अच्छा बताइए, अरे मोदी जी तो बताइए, मोदी जी तो चोला पहन के गंगा नहाने चले जाते हैं। अच्छा, देश की जनता को कहते हैं सबसे बड़ा, मतलब और कोई हिंदू नहीं बचा, खाली मोदी जी इस देश के सबसे बड़े पुजारी हैं। हाँ, मोदी जी ने पुजारी के नाम पे देश के हाथ में कटोरा थमा दिया है। आप कटोरा लेके आप जाइए, मंदिर जाइए, कांवड़ में जाइए, कांवड़ में आपने देखा नहीं लग गया है, बेरोजगार बच्चे अब सब कांवड़ लेके चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो अंधभक्त हैं वो चाह रहे हैं कि आप कांवड़ लेके जाइए, भगवा चोला पहनिए, आप शिक्षा और रोजगार मत मांगिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार इस देश को सबको बाबा बनाना चाहती है, लेकिन हम लोग जो बाबा नहीं बनना चाहते वो सरकार से आवाज पूछना चाहते हैं, क्योंकि बाबा लोगों ने देश को बेच दिया, योगी बाबा ने। ये सत्ता में इनको जरूरत नहीं है, ये सत्ता में बैठ के कहीं ना कहीं देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने। मोदी जी ने किया करते हैं, वो विवादों में गिर जाते हैं। तो विवादों में कौन सा काम मोदी जी ने अच्छा किया आपको बहुत बढ़िया लगा? दूरबीन लगा के चश्मा दिखाई देता आपको मोदी जी ने? देखिए, अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में जाके दूरबीन लगाया था, आप भी चश्मा की जगह दूरबीन लगा। सवाल ये, कोई भी वो काम करते हैं विवादों में पहले गिर। अरे भाई, तो घिरना पड़ता है, आपने काम कोई अच्छा नहीं किया, आप काम अपने लिए करते हैं, आप कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, आपके कभी मैनिफेस्टो में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन आपने महल बनाने का काम किया, क्योंकि आपको अलीशान चाहिए। आप जहां रहे आपका कमरा फुल एसी की तना रहे, और देश की जनता गरीब धूप में धान की रोपाई करती रहे, और आप कहेंगे किसान समृद्ध है, पोडियम से आपने जिस तरह, देश की संपत्ति है ना मोदी जी की संपत्ति। अरे भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ देश की संपत्ति है, आप बताइए देश की संपत्ति पुराने संसद में कोई कमी थी? आप सबसे पहले देश में युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देना चाहिए था, कि सबसे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण करना चाहिए था? क्योंकि ये तानाशाही सरकार को पता है कि जल्द ही हम सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, तो ऐसा कहीं ना हो कि देश की जनता को ये ना दिखाया जाए सामने कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने देश के साथ खड़ा होने का काम नहीं किया। जिन्होंने अपने कार्यालय पे देश के तिरंगे का झंडा ना लगाया हो, वो देश के तिरंगे का मान और सम्मान कैसे कर सकता है? ये देश के तिरंगे के साथ कहीं ना कहीं ये खुददारी नहीं कर रहे, ये देश के तिरंगे के साथ इसको झुकाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम देश के नागरिक होने के नाते, और भारत युवाओं का देश है, युवाओं की आवाज गूंजेगी तो स्विमिंग पूल में देश का जनता आपकी नहाने जाएगा। और इस सरकार को आपने प्लान बना, बिल्कुल प्लान क्यों नहीं भाई बना लिया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुमराह करके हमें गुमराह करना चाहती है। आपने देखा होगा कई योजनाएं आए, अग्निपथ आया, नए कृषि बिल आए, और ऐसे ऐसे बहुत योजनाओं लाने का काम किया। ये योजनाओं के जरिए इस देश में भ्रांति चाहती है, लेकिन अब सरकार को झुकाने के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और सड़क पे उतरने के इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।